Good morning, children. I hope you're all doing well. Welcome to your English language class for class 7th at Model Public School, Raisingnagar. Okay, now let's know about English and our course first. पहले हम थोड़ा इंग्लिश के बारे में और अपने कोर्स के बारे में जान लेंगे शुरू करने से पहले. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट यू टू थिंक कि आप लोगों को पहले कौन सी लैंग्वेजेज आती है. इट मे बी हिंदी, पंजाबी, मारवाड़ी, बागड़ी एट्सेट्रा. एंड आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ इंग्लिश एज जस्ट अनदर लैंग्वेज. इन्हीं लैंग्वेजेस की तरह इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और किसी भी एक लैंग्वेज को मास्टर करने के लिए वी रिक्वायर फोर स्किल्स. वो फोर स्किल्स क्या हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. लिसनिंग से हमें स्पीकिंग आएगी और बहुत सारी रीडिंग करने से हमें राइटिंग करनी आएगी. इन स्किल्स को हम LSRW से भी जानते हैं. अब इस कोर्स में हम लोग एक ही बुक पढ़ेंगे इन सभी स्किल्स को मास्टर करने के लिए. इन चार स्किल्स के अलावा हम ग्रामर भी पढ़ेंगे ताकि हमारे स्ट्रक्चर्स इम्प्रूव हों इस लैंग्वेज में. हाउ टू डू वेल इन दिस कोर्स, इस कोर्स में अच्छा कैसे किया जा सकता है. देर आर सम डूज एंड डोंट्स, कुछ काम जो हमें करने हैं, कुछ काम जो हमें बिल्कुल नहीं करने हैं. नाउ फर्स्ट पॉइंट अंडर डूज इज डू एज इंस्ट्रक्टेड, जैसा कहा जाए वैसा कीजिए. इस कोर्स में आपको बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी तो आपको वैसा ही करना है जैसा आपको बोला जाए. नाउ नेक्स्ट थिंग इज डू योर होमवर्क ऑन टाइम. जो आपको होमवर्क दिया जाएगा हर क्लास के एंड में, यू हैव टू डू दैट होमवर्क ऑन टाइम ताकि यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर नेक्स्ट क्लास. थर्ड पॉइंट इज डू रीडिंग एंड लिसनिंग रेगुलरली टू लर्न स्पीकिंग एंड राइटिंग क्विकली. जितना ज़्यादा हम रीडिंग और लिसनिंग करेंगे, जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे और इंग्लिश को सुनेंगे, उतना जल्दी हमें स्पीकिंग एंड राइटिंग आ जाएगी. फोर्थ पॉइंट इज बिल्ड योर वोकैबुलरी. एक लैंग्वेज उतनी ही अच्छे से हमें आती है जितना कि हमें उसके वर्ड्स आते हैं. जितनी ज़्यादा हमारी वर्ड पावर होगी उतनी ज़्यादा हमारी उस लैंग्वेज के ऊपर कमांड होगी. अपने को नए वर्ड सीखने हैं और उनको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है. कमिंग ऑन टू डोंट्स, जो काम हमें नहीं करने हैं, डोंट स्किप एनीथिंग. ऐसा नहीं है कि वीडियो में कुछ बोरिंग लग रहा है तो उसको स्किप कर देते हैं हम, तो वी शुड नॉट स्किप एनीथिंग. नेक्स्ट पॉइंट अंडर डोंट्स इज डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. कोई भी हमें कभी ऐसा लगता है कि हम लोग गलत इंग्लिश बोल रहे हैं या गलत यूज़ कर रहे हैं उसका, तो हमें उस चीज़ से बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जैसा कि हम बाकी लैंग्वेजेस में करते हैं. डोंट चीट योरसेल्फ, दिस इज द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द डोंट्स. हमें अपने आप को चीट नहीं करना है. हमें ये लैंग्वेज सीखनी है तो वी शुड बी रियली ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ्स. लेट्स बिगिन. अगर आप इस कोर्स को पूरे ध्यान से और अच्छे से करोगे मेरे साथ साथ, तो इसमें बहुत मज़ा आएगा, नहीं तो ये बहुत बोरिंग लगेगा. बट ईदर वेज हमें ये करना तो पड़ेगा ही, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको पूरे इंटरेस्ट के साथ करना चाहते हो या एक बर्डन की तरह करना चाहते हो. आई होप यू विल ऑल चूज द फर्स्ट ऑप्शन. All the best. Let us know a little bit more about the book we are going to read and the approach we are going to follow. थोड़ा सा हम अपनी बुक के बारे में जान लेते हैं जो हमें पढ़नी है, और इस बुक को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे फॉलो करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं. तो दिस बुक इज बाय मैकमिलन पब्लिशर. दिस इज इंग्लिश फेरी फॉर क्लास 7th. इस बुक में we are going to cover about 16 chapters which include poems as well. इसमें हमारी अप्रोच इस तरह से रहेगी. सबसे पहले we are going to read the chapter out loud so that we know and learn pronunciations of new words. जो हमने पहले नहीं सुने हैं उन words को बोलना कैसे है वो हम जान लेंगे.
सेकेंड स्टेप वुड बी टू बिल्ड आवर वोकेबुलरी। नाउ वी नो कि उन वर्ड्स को बोलना कैसे है, लेकिन उनके मतलब भी जानना बहुत ज़रूरी है। वी विल बिल्ड आवर वोकेबुलरी इन द सेकेंड स्टेप। नाउ इन थर्ड स्टेप वी विल रीड द चैप्टर अगेन, दिस टाइम टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। इस बारी जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम चैप्टर का मतलब समझेंगे, क्योंकि हमें वर्ड्स के मतलब पता चल गए हैं तो इस चैप्टर को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। फोर्थ स्टेप वुड बी कॉम्प्रीहेंशन चेक। बीच बीच में आपके लिए कुछ क्विज क्वेश्चंस आते रहेंगे ताकि आपको पता चलता रहे कि पीछे जो वीडियो में निकल गया है उसमें से आपको कुछ कुछ समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं रिवाइंड करके, और अगर आपको समझ में आ गया है तो यू कैन कंटिन्यू। उसके बाद फिफ्थ स्टेप वुड बी टू डू एक्सरसाइज गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो उसको कुछ एक्सरसाइज ऐसी होंगी जो हमें बुक में ही करनी है, कुछ एक्सरसाइज ऐसी होंगी जो हमें नोटबुक में करनी होंगी, तो इट विल बी डन एज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीकिंग एक्सरसाइज। स्पीकिंग एक्सरसाइजेस भी हमारी बुक में चैप्टर्स के बाद में दी हुई हैं, उसी के हिसाब से वी विल फॉलो दोज एक्सरसाइजेस एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज राइटिंग। राइटिंग एक्सरसाइजेस में वी विल प्रैक्टिस लेटर्स, न्यूज़ रिपोर्ट्स, पोस्टर मेकिंग एंड अ लॉट ऑफ दैट काइंड ऑफ स्टफ। जो पहले के चार पॉइंट्स हैं, दिस विल मेक अप आर रीडिंग एंड लिसनिंग। इससे हमारी रीडिंग एंड लिसनिंग की प्रैक्टिस होगी। अब क्योंकि हमारी रीडिंग और लिसनिंग की प्रैक्टिस होगी इससे, तो हमें स्पीकिंग और राइटिंग में बहुत हेल्प मिलेगी जब हम ये नीचे की तीन एक्सरसाइजेस को करेंगे। इन तीन एक्सरसाइजेस के अंदर हमारा ग्रामर पार्ट भी कवर होगा, जिससे कि हमारे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स इंप्रूव होंगे। We are starting with the first chapter of our book after 20 years on page number 1. After 20 years. This is a story written by O. Henry. We will start reading from here and I want you all to read with me. The policeman on the beat moved up the avenue impressively. Their impressiveness was habitual and not for show, for spectators were few. The time was barely 10 o'clock at night, but chilly gusts of wind with a taste of rain in them had nearly depeopled the streets. Trying doors as he went, the officer with his stalwart form and slight swagger made a fine picture of guardian of peace. When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. In the doorway of a darkened hardware store, a man leaned, with an unlighted cigar in his mouth. As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly. "It's all right, officer," he said reassuringly. "I'm just waiting for a friend. It's an appointment made 20 years ago." "Sounds a little funny to you, doesn't it? Well, I'll explain if you'd like to make certain it's all straight. About that long ago, there used to be a restaurant where this store stands. Big Joe Brady's restaurant. Until 5 years ago," said the policeman. "It was torn down then." The man in the doorway struck a match and lit his cigar. The light showed a pale, square-jawed face with keen eyes and a little white scar near his right eyebrow. His scarf pin was a large diamond oddly set. 20 years ago tonight," said the man, "I dined here at Big Joe Brady's with Jimmy Wells, my best chum and the finest chap in the world. He and I were raised here in New York, just like two brothers together. I was 18 and Jimmy was 20. The next morning, I was to start for the West to make my fortune. You couldn't have dragged Jimmy out of New York. He thought it was the only place on earth. Well, we agreed that night that we would meet here again exactly 20 years from that date and time, no matter what our conditions might be or from what distance we might have to come." "It sounds pretty interesting,"
said the policeman. Haven't you heard from your friend since you left? Well, yes, for a time we corresponded, said the other. But after a year or two, we lost track of each other. You see, the West is a pretty big proposition. And I kept hustling around over it pretty lively. But I know Jimmy will meet me here if he's alive, for he always was the truest, staunchest old chap in the world. He'll never forget. I came 1,000 miles to stand in this door tonight, and it's worth it if my old partner turns up. The waiting man pulled out a handsome watch, the lids of it set with small diamonds. 9:55, he announced. It was exactly 10 o'clock when we parted here at the restaurant door. Did pretty well out west, didn't you? Asked the policeman. You bet. I hope Jimmy has done half as well. He was a kind of plodder, though good fellow as he was. I have had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile. A man gets in a groove in New York. It takes the West to put a razor edge on him. The policeman twirled his club and took a step or two. I'll be on my way. Hope your friend comes around all right. Going to call time on him sharp? Now we are done with the first step, as explained to you in the approach section. तो अप्रोच में जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो था रीडिंग का, जिसमें हमने प्रोनंसिएशन सीखे वर्ड्स के. तो वो स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया. नाउ वी आर इन टू सेकेंड स्टेप ऑफ आर अप्रोच. इस सेकेंड स्टेप में हम लोग अपनी वर्ड पावर बिल्ड करेंगे. वील बिल्ड आर वोकेबलरी. तो वोकेबलरी, एज यू कैन सी, देर आर 7 words रिटन हेयर. इन वर्ड्स को हमारी बुक में अलग से वर्ड मीनिंग्स की तरह दिया हुआ है. So we have to do these 7 words in our notebook. First word is depeopled. Depeopled means without people. Agar koi jagah bahut sunsaan hai jahan pe log nahi hai, to we can say that particular place is depeopled. Next word is stalwart. Stalwart is strongly built. If someone does exercise or yoga regularly, to uski jo body hai bahut hi healthy ho jati hai. To us हेल्दी बॉडी का जो बिल्ट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है. तो वी कैन से दैट इज स्टॉलवर्ट. नेक्स्ट वर्ड इज स्वेगर. इफ समवन इज वॉकिंग वेरी कॉन्फिडेंटली, तो वी कैन से हाउ इज ही वॉकिंग, ही इज वॉकिंग विद स्वेगर. सी, देयर इज अ लॉट टू लर्न इन बॉडी लैंग्वेज. अगर कोई बहुत कॉन्फिडेंट है तो हमें उसकी चाल में, उसके काम में, उसके बोलने में हमें वो समझ में आएगा. इफ समवन इज वॉकिंग कॉन्फिडेंटली, वी कैन से कि ही इज वॉकिंग विद स्वेगर. नेक्स्ट वर्ड इज रीअश्योरिंगली. टू रीस्टोर कॉन्फिडेंस. इफ वी आर नर्वस बिफोर डूइंग सम वर्क, विच जनरली हैपन्स व्हेन आर एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, एंड आर टीचर्स जनरली टेल अस कि डोंट वरी, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है पूरे साल, एंड यू विल स्कोर रियली गुड मार्क्स. तो वो क्या कर रहे होते हैं, दे आर ट्राइंग टू रीस्टोर कॉन्फिडेंस इन अस, दे आर रीअश्योरिंग अस. नेक्स्ट वर्ड इज प्रोपोजिशन. प्रोपोजिशन इज एन एरिया टू एक्सप्लोर. वैसे प्रोपोजिशन के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, उनमें से एक मीनिंग है एन एरिया टू एक्सप्लोर, जिस तरह से इसको इस चैप्टर में यूज किया गया है. नेक्स्ट वर्ड इज प्लॉडर. प्लॉडर का मतलब है समवन हु वर्क स्लोली, कोई इंसान जो धीरे धीरे काम करता है, वी कैन से ही इज अ प्लॉडर. नेक्स्ट वर्ड इज प्लेन क्लोथ्स मैन. प्लेन क्लोथ्स मैन हमने बहुत बार सुना होगा या मूवीज में देखा है कि अंडर कवर कॉप्स होते हैं. ए पुलिस मैन हु इज ड्रेस्ड लाइक अ सिविलियन, एक ऐसा पुलिस मैन जो जिसने किसी भी एक आम इंसान की तरह कपड़े पहने हों, उसको हम बोल सकते हैं प्लेन क्लोथ्स मैन. अभी हमने 7 words डिस्कस किए जो एज वर्ड मीनिंग्स हमारी बुक में दिए हुए हैं. बट देर आर लॉट मोर वर्ड्स इन दिस चैप्टर
जो हमारे लिए नए होंगे या फिर थोड़े से डिफिकल्ट होंगे हमें याद रखने में. तो वी विल डिस्कस दोज वर्ड्स, वी डोंट हैव टू डू दोज वर्ड्स इन आर नोटबुक. वो वर्ड्स आपके सामने हैं. तो फर्स्ट वर्ड इज बीट. बीट का मतलब होता है रिथमिक पल्स, जिसे कि आप म्यूजिक में देखते हैं. बीट होती है एक पीरियोडिक टाइम के बाद कुछ सिमिलर टाइप की साउंड्स रिपीट होती हैं, उसको हम बोलते हैं बीट. नेक्स्ट वर्ड इज एवेन्यू. एवेन्यू क्या होता है? एक ब्रॉड रोड, एक चौड़ी रोड, जिसको हम एवेन्यू बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज हैबिचुअल. हैबिचुअल का मतलब होता है आदतन, मतलब जो हम आदतवश करते हैं उसको हम हैबिचुअल बोल सकते हैं. ठीक है, जैसा कि अगर हमें पेंसिल से लिखने की आदत है तो वी कैन से कि वी आर हैबिचुअल ऑफ राइटिंग विद पेंसिल. नेक्स्ट वर्ड इज स्पेक्टेटर्स. स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है ऑडियंस या व्यूअर्स, जो हमें देख रहे हो. जैसा कि अगर हम लोग देखते हैं कि क्रिकेट स्टेडियम में बहुत सारे लोग हैं जो मैच को देख रहे हैं, तो वी कैन से दोज पीपल आर स्पेक्टेटर्स और ऑडियंस और व्यूअर्स. नेक्स्ट वर्ड इज बेयरली. बेयरली का मतलब होता है जस्ट. जैसे हम बोलते हैं कि अभी तो मुश्किल से 10 बजे होंगे, तो वी कैन से इट्स बेयरली 10 o'clock. नेक्स्ट वर्ड इज लीन्ड. लीन्ड का मतलब होता है झुक के या किसी चीज का सहारा लेके खड़ा होना. जैसे हम दीवार का सहारा लेके खड़े हों तो हम बोल सकते हैं कि वी आर लीनिंग ऑन द वॉल. नेक्स्ट वर्ड इज टॉर्न डाउन. टॉर्न डाउन का मतलब होता है टेकन डाउन. जैसे कि कोई चीज हमने बनाई और उसके बाद हम उसको तोड़ देते हैं या उसको हम डिसमेंटल कर देते हैं, खोल के वापस रख देते हैं, तो वी कैन से कि वी हैव टॉर्न दैट थिंग डाउन. नेक्स्ट वर्ड इज चम. चम का मतलब होता है क्लोज फ्रेंड. बहुत ही क्लोज फ्रेंड को हम चम बोल सकते हैं, तो यू कैन कॉल योर क्लोज फ्रेंड्स चम. नेक्स्ट वर्ड इज चैप. चैप का मतलब होता है कोई भी मैन या बॉय. नेक्स्ट वर्ड इज रेज्ड. रेज्ड का मतलब बड़ा होना या बड़ा करना. जैसे कि आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ा किया है, तो यू कैन से योर पेरेंट्स रेज्ड यू. या आप रायसिंह नगर में बड़े हुए हो, तो यू कैन से यू वर रेज्ड इन रायसिंह नगर, कि आप रायसिंह नगर में बड़े हुए थे. नेक्स्ट वर्ड इज फॉर्चून. फॉर्चून का मतलब होता है अपना लक या भविष्य बनाना, उसको हम फॉर्चून बोल सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज ड्रैग्ड. ड्रैग्ड का मतलब होता है खींचना या घसीटना. ठीक है, अब ये जो वर्ड है इसको हम लिटरल सेंस में भी यूज कर सकते हैं कि सही में अगर कोई किसी को घसीट रहा हो तो वी कैन से कि ही इज बीइंग ड्रैग्ड. लेकिन अगर किसी को हम फोर्स करके लेके चल रहे, जैसे कि आप कभी करते हो ऐसा कि आप अपने फ्रेंड्स को, कोई फ्रेंड आपका मना कर रहा है कि नहीं मुझे ये गेम नहीं खेलना है, लेकिन आप उसको जबरदस्ती फोर्स करते हो कि नहीं प्लीज खेल मेरे साथ खेल, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि आप उसको ड्रैग कर रहे हो अपने साथ. नेक्स्ट वर्ड इज नो मैटर वॉट. नो मैटर वॉट मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, जहां पे भी आप बोलते हो कभी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो पढ़ाई करूंगा ही या मैं तो गेम खेलूंगा ही, तो उसके लिए हम क्या ही बोल सकते हैं, नो मैटर वॉट. नेक्स्ट वर्ड इज कॉरेस्पॉन्डेड. कॉरेस्पॉन्डेड का मतलब होता है कम्युनिकेशन. अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो वी कैन से कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं. जैसे आप अपने फ्रेंड से बातचीत करते हो, फोन पे करते हो या क्लास में करते हो या कभी भी करते हो बातचीत, तो उसको हम बोल सकते हैं यू आर कॉरेस्पॉन्डिंग विद योर फ्रेंड्स. नेक्स्ट वर्ड इज लॉस्ट ट्रैक. कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग फोन पे गेम्स खेल रहे होते हैं या फिर हम लोग कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें हमारा बहुत मन लग रहा है, तो हमें समय का या टाइम का ध्यान नहीं रहता कि हमने 5 बजे शुरू किया था और 7 बज गए गेम खेलते खेलते या ड्राइंग करते करते, तो वी कैन से वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, कि हम लोगों ने, हमें ध्यान नहीं रहा कितना समय हो गया, कितना समय निकल गया, तो वी कैन यूज लॉस्ट ट्रैक. उस जगह पे हम लॉस्ट ट्रैक यूज कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड इज हसलिंग. हसलिंग का मतलब होता है, ओके वी विल कम बैक टू हसलिंग, वी विल मूव ऑन टू स्टॉन्चेस्ट. स्टॉन्चेस्ट का मतलब होता है
ट्रूएस्ट, लॉयलेस्ट फ्रेंड। लॉयल को क्या बोलते हैं हम? स्टॉन्चेस्ट। अगर कोई आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है तो आप उसको कि आपकी हमेशा हर बात मानता है, आपके साथ खेलता है, आपकी कोई बात टालता नहीं है, तो आप उसको क्या बोल सकते हो कि वो आपका स्टॉन्चेस्ट फ्रेंड है, सबसे लॉयल फ्रेंड है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज पार्टेड। पार्टेड का मतलब होता है किसी से अलग होना या फिर बिछुड़ना। तो अगर कोई किसी जैसे आप स्कूल में दो दोस्त साथ में होते हो और छुट्टी के टाइम आप अपने अपने घर जाते हो, तो आप कह सकते हो कि वी पार्टेड आफ्टर द स्कूल वॉज ओवर। जब स्कूल की छुट्टी हो गई फिर हम अलग अलग हो गए। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज शार्पेस्ट विट्स। शार्पेस्ट विट्स का मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज दिमाग। तेज दिमाग भी हम इसको बोल सकते हैं या फिर चालाक, चालाकी भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रूव। ग्रूव का मतलब वील कम बैक टू ग्रूव। सो आई हैव केप्ट ग्रूव एंड हसलिंग फॉर द लास्ट। वील टॉक अबाउट दीज वर्ड्स लेटर। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ट्वर्ल्ड। ट्वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? ट्वर्ल्ड का मतलब होता है घुमाना। कैसे घुमाना? जैसे अगर आपके हाथ में कोई स्टिक है, उस स्टिक को आप नीचे जमीन के साथ लगा के घुमा रहे हो गोल गोल अपने हाथ में, तो यू कैन से यू आर ट्वर्लिंग दैट। ट्वर्ल कर रहे हो आप इसको। ठीक है। ओके। नाउ वी विल कम बैक टू द वर्ड दैट वी हैड लेफ्ट विच वर हसलिंग एंड ग्रूव। तो हम पहले हसलिंग की बात करते हैं। हसलिंग क्या होता है? स्ट्रगल करना या इधर से उधर मूव करना, तो उसको हम बोल सकते हैं हसलिंग। ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तब हमें बहुत अच्छे से इसका मतलब समझ में आ जाएगा यूसेज के हिसाब से। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रूव। ग्रूव इज अ नैरो कट और डिप्रेशन इन अ हार्ड मटेरियल। एक बहुत ही हार्ड मटेरियल के अंदर एक डिप्रेशन, एक कट लग जाता है, उसको हम ग्रूव बोल सकते हैं। या फिर एक और मतलब होता है इसका, एन एस्टेब्लिश रूटीन और हैबिट, कि एक हैबिट हो जाती है हमें कुछ काम करने की, तो हम उस हैबिट को भी ग्रूव बोलते हैं। विल सी कि इस चैप्टर में ग्रूव किस तरह से यूज हुआ है। जो पहला मीनिंग बताया था मैंने उस तरह से यूज हुआ है, या सेकंड मीनिंग बताया था उस तरह से यूज हुआ है, रूटीन या हैबिट के लिए यूज हुआ है। ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट होमवर्क एंड इंफॉर्मेशन अबाउट नेक्स्ट क्लास। योर होमवर्क फॉर दिस क्लास इज, आपको जितना हमने चैप्टर पढ़ा है उसको फिर से पढ़ना है। आपको कहा पेज नंबर 2 तक पढ़ा है हमने, यू विल हैव टू रीड दिस चैप्टर अगेन टिल पेज नंबर 2 विद और विदाउट वीडियो प्लेइंग इन द बैकग्राउंड। वीडियो को या तो प्ले करके आप दोबारा देख सकते हो जब आप पढ़ रहे होगे। अगर आपको किसी वर्ड पे आप अटक जाते हो कि इसका प्रोनंसिएशन मुझे याद नहीं आ रहा है या थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, यू कैन ऑलवेज वॉच दैट वीडियो अगेन टू सी द प्रोनंसिएशन। और एल्स आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे उस वर्ड के लिए और उसका प्रोनंसिएशन सीख सकते हो। नेक्स्ट वर्क इज लर्न द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। जो वर्ड्स मैंने आपको नोटबुक में करने के लिए बोले हैं वो आपको लर्न भी करने हैं। नेक्स्ट इज राइट देम इन योर नोटबुक एज टोल्ड अर्लियर। आपको वो नोटबुक में लिखने हैं। अगर फेयर कॉपी, फेयर नोटबुक आपके पास है तो उसमें लिख सकते हो, और एल्स यू कैन राइट इट इन योर रफ कॉपी फॉर नाउ। फोर्थ वर्क इज ये आपको अपने रूटीन में यूज करने हैं ये वर्ड्स, विच मीन्स यू हैव टू बिकम हैबिचुअल ऑफ यूजिंग दीज वर्ड्स, राइट। अभी आई हैव यूज्ड हैबिचुअल वर्ड, जो हमने अभी सीखा उसको मैंने यूज किया है यहाँ पे। ऐसे ही आपको भी जो वर्ड्स आपने सीखे हैं उनको यूज करना है रूटीन में, घर पे या अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए। इन नेक्स्ट क्लास वी विल रीड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। जैसा हमने अभी किया वही चीज़ हम रिपीट करेंगे बाकी के चैप्टर के लिए जो बच गया है। उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे उनके मीनिंग्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे शुरू से पढ़ना, उसका मतलब जानने के लिए। एंड आई होप कि आप सब लोग चैप्टर का मतलब जब हम दोबारा पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारी वर्ड पावर बिल्ड हो चुकी है। थैंक यू फॉर योर अनडिवाइडेड अटेंशन।
दिस चैप्टर विल बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.